मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे, जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद वो तैयार हो गया, तैयार हो के इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो दो चार, दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन लगातार कर लिया, तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है। ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है।
बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की, तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको, एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है, वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है और उस दवा का एक बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन एक बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने एक एक बूंद डाल ली तो 50-60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना, जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया, हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते, उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं। तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो, सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है, 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है, ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है, 225-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना, ये पानी में और अच्छे से काम करती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तीसरा और आखिरी संदेश जो स्वामी जी ने दिया और उन्होंने कहा है कि ये बात आप सबको मैं जरूर कहूं। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने जीवन में हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ईसाई, जैन हैं या बौद्ध, ये सब अपने घर तक सीमित रखो। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखो, अपने घर तक सीमित रखो। जब आप ग्राम रक्षा समिति का काम करने के लिए निकलो तो आप सब भारतवासी हो और भारतीय हो, सिर्फ इतना ही याद रखो। काम करने के लिए हम जब घर के बाहर निकल गए तो हम सब भारतीय हैं। घरों के अंदर जब तक हम हैं तो पूजा पद्धतियां हमारी सबकी अलग अलग हैं। कोई हिंदू तरीके से पूजा करेगा, कोई मुस्लिम तरीके से करेगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा। तो घरों के अंदर हम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पालने वाले व्यक्तिगत लोग हैं। घर के बाहर निकलते ही हमें भूल जाना है कि हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत माता की सुपुत्रियां हैं, भारत माता हम सब की माता है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो मिलकर अपने भारत माता की रक्षा करनी है, मिलकर अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है। भारत माता पूरा देश, उस पूरे देश में आपका एक राज्य, आपके एक राज्य में आपके छोटे छोटे कुछ जिले, जिलों में आपके छोटे छोटे गांव और गांव में छोटे छोटे मोहल्ले, ये हर छोटी इकाई भारत माता की ही इकाई है। आपके गांव का मोहल्ला हो या शहर का मोहल्ला हो, ये एक छोटी इकाई है भारत माता की। तो इन सब छोटी छोटी इकाइयों की रक्षा हमें करनी है, इसी के लिए ये ग्राम सुरक्षा समिति या नगर सुरक्षा समितियों का गठन हुआ है। ये संकल्प हमें लेके काम करना है कि हम भारतवासी हैं, अपनी भारत माता की भूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा हमें करना है, अपराधियों से, उन सब लोगों से जो देश को तोड़ने के काम में लगे हैं, विघटन करना चाहते हैं इस देश का, इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तरीके उनके कुछ भी हों, हमें उनके तरीकों को नाकामयाब बनाना है, असफल बनाना है और अपने संकल्पों को सफल बनाना है और सार्थक बनाना है। स्वामी जी